नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। ना कोई पुरुष ना कोई परेशानी, इस इलाके में चलता है सिर्फ महिलाओं का राज। दुनिया के राजा ज़्यादातर हिस्से में पितृसत्ता देखी जा सकती है। पितृसत्ता यानी एक ऐसा सोसाइटी जहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संसाधनों पर पुरुषों का ही दबदबा रहता है और महिलाओं को निजी जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल जिंदगी में वर्चस्व के साधनों से वंचित रहना पड़ता है। हालांकि यूरोप के एक द्वीप पर ये कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। एस्टोनिया के बास्टिक सागर के पास मौजूद किव्यू द्वीप में 4 गांव है और करीब 700 से लेकर 1000 लोग तक इन गांवों में रहते हैं। यहाँ होटल की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और इस जगह को महिलाओं के ही चलाती है। किव्यू को यूरोप की आखिरी मातृसत्ता सोसाइटी माना जाता है। इसे महिलाओं का द्वीप भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के आसपास इस द्वीप से पुरुषों की संख्या कम होने लगी थी। फिशिंग और शिकार पर जाते के चलते पुरुष महीनों अपने घरों से दूरी बनाई रखे थे। बेहद कम समय द्वीप पर बिताने के चलते उनकी प्रासंगिकता यहाँ खत्म हो चुकी है और इस द्वीप पर पुरुषों की कमी हो को महिलाओं ने पूरा किया और एक मातृसत्ता सोसाइटी का निर्माण किया। महिलाएं यहां बच्चे के पालन पोषण के साथ ही कृषि, पारंपरिक बनाई और हस्तशिल्प जैसे कई काम करते हैं। इसके अलावा द्वीप से जुड़े कई संस्थानों को भी महिलाएं ही देखती है। शताब्दी से लेकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी के अलावा हर तरह की जिम्मेदारी महिलाएं आपस में ही मिल बांटकर संभालती है। इस द्वीप की सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे, उसके बाद समुदाय और फिर पुरुष है। यहाँ रहने वाली एक महिला ने इंडिपेंडेंट वेबसाइट के साथ बातचीत में कहा कि कई लोग को लगता है कि हम मातृसत्ता समाज के सहारे कोई संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पिछले कई दशकों से ये सोसाइटी इसी तरह से चली आ रही है और हम इसके अलावा अपने आप की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किव्यू द्वीप पर पैतृत्व परंपराओं को बनाए रखने के साथ ही यहाँ मौजूद महिला खेती, बच्चे के पालन पोषण और दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों का संतुलन भी बनाकर चलती है। सिल्विया एक डांस टीचर और फोटोग्राफर है। वो कुछ सालों पहले कनाडा से किव्यू आ गई थी। सिल्विया की दादी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये द्वीप छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद ही सिल्विया ने इस द्वीप पर अपने आने का फैसला किया था। उन्होंने इस द्वीप को लेकर अनुभव साझा किया है। सिल्विया ने कहा है कि यहाँ की पुरानी पीढ़ी परंपराओं को और संस्कृति को जिंदा रखने चाहती है, इसलिए वो वही सिखा रही है जो उन्हें सिखाया गया था। ये एक खूबसूरत कल्चर है और लेकिन मुझे लगता है कि यह जनरेशन काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी है हो जाती है क्योंकि वो पर्यटन के सहारे कमाई करना चाहती है, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोग पर्यटन को खास सपोर्ट नहीं करते। बता दें कि इस द्वीप में कई यंग जनरेशन की लड़कियां कमाने के बेहतर रास्ते तलाशने के लिए बाहर भी निकलना चाहती हैं क्योंकि इनमें से कई लोगों को यहाँ का मौसम सूट भी नहीं करता है। यंग जनरेशन के ऐसे फैसलों के चलते इस जगह का कल्चर और परंपराओं पर खतरा भी मंडरा रहा है। नमस्कार दोस्तों।